इस लेक्चर में मैं आपको सर्किट थ्योरम्स के बारे में कुछ बताऊंगा। अभी तक आपने क्या देखा, नोडल एनालिसिस देखा, फिर मैंने आपको मैश एनालिसिस इन अ डिफरेंट वे आपको एक्सप्लेन किया। नोडल एनालिसिस में आपने KCL अप्लाई किया एंड ट्रैकिंग ऑफ करंट्स में आपने KVL अप्लाई किया, ठीक है। एंड दोनों को अप्लाई करने के लिए द बेसिक लॉ दैट इज़ रिक्वायर्ड इज ओम्स लॉ। अभी तक आपने ये तीन लॉ जो है वो अप्लाई किए, ठीक है। बेसिकली क्या था, आपको एक सर्किट दिया हुआ था, ठीक है, और उस सर्किट में आपको कोई करंट या नोड वोल्टेज जो भी निकालना था वो निकालना था, ठीक है। बेसिकली जब वो सर्किट आपके पास प्रेजेंट था तो उस सर्किट में आपने कोई चेंजेस नहीं किए, आपने उसी सर्किट में वेरिएबल्स को अज्यूम किया एंड उसी सर्किट को सॉल्व किया, ठीक है। अभी तक हमने जो क्वेश्चन किए उसमें मैक्सिमम 3 टू 4 इक्वेशंस बनी थी, ठीक है। ये जो 3 टू 4 इक्वेशन है, नियरली 2 इक्वेशंस ईजी टू सॉल्व होता है, 3-4 इक्वेशन भी देखा जाए तो मॉडरेटली क्या है, डिफिकल्ट है टू कैलकुलेट, ठीक है। अगर 10-12 इक्वेशंस अगर हो जाएं तो किस तरह से आप सॉल्व करोगे। अगर सपोज किसी एलिमेंट में आपको करंट निकालना है, बहुत बड़ा सर्किट है, ठीक है, बहुत बड़ा सर्किट है, तो कितनी नोड्स पे आप वेरिएबल को अज्यूम करोगे, कितनी करंट्स को ट्रैक करोगे, कितना करोगे, कितना KVL अप्लाई करोगे, कितना KCL अप्लाई करोगे। आपको एक एलिमेंट के थ्रू करंट चाहिए ना बस, ठीक है, बहुत बड़ा सर्किट है, एक एलिमेंट के थ्रू करंट चाहिए। तो सारे इतना ही, ये जो सर्किट है इसको सिंप्लीफाई करो, या फिर इस एलिमेंट को सर्किट किस तरह का दिखाई दे रहा है वो बनाओ। दैट मीन्स इस एलिमेंट के रेस्पेक्ट में जो सर्किट इसको दिख रहा है उसका इक्विवेलेंट ड्रॉ करना है, ठीक है। बेसिकली अब इसमें क्या है, सर्किट थ्योरम आपको देखना है, ठीक है। आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। अब इस तरह से सोचें, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा लीनियरिटी प्रॉपर्टी, ठीक है। अब ध्यान रखना, नोडल एंड ट्रैकिंग ऑफ करंट्स मेथड में आपने सर्किट में कोई भी चेंजेस नहीं किए, आपने सर्किट में ही जो एज इट इज़ आपको सर्किट दिया गया उसी में आपने वेरिएबल्स एज्यूम किए एंड सॉल्व करा, KCL एंड KVL लगा के, ठीक है। बट थ्योरम्स में आपको सर्किट को क्या करना होता है, टेम्परिंग करनी होती है, ठीक है, सिंप्लीफाई करना होता है। यहाँ सबसे पहले जो मैं आपको चीज़ बताना चाहूँगा दैट इज लीनियरिटी। सपोज एक रजिस्टर है, आपने उसमें V1 वोल्टेज अप्लाई किया, ठीक है, या सपोज इस तरह से, सपोज मैं I1 को एक्साइटेशन बोलता हूँ, इफ़ I1 को मैं एक्साइटेशन बोल रहा हूँ देन दिस वोल्टेज इज I1 इंटू R। अगर मैं करंट को एक्साइटेशन बोलता हूँ देन दिस इज़ द रिस्पॉन्स, ठीक है, इस चीज़ को मैं वोल्टेज ड्रॉप को रिस्पॉन्स बोल रहा हूँ। नाउ सेम रजिस्टर मैंने I2 करंट फ्लो करवाई, देन द रिस्पॉन्स इज I2 इंटू R, ठीक है। फर्स्ट केस, सेकेंड केस, ठीक है। नाउ अब आप क्या करें, दोनों एक्साइटेशन को ऐड कर दें, सो द करंट नाउ इज I1 + I2। नाउ जो ये रिस्पॉन्स आएगा दैट इज I1R + I2R। दैट मीन्स If excitation gets added, then response also gets added, ठीक है। excitation का सम किया तो response भी सम होके आया, that means ये क्या है, resistor is a linear element, ठीक है। ऐसे ही आपका inductor के case में होगा, ठीक है। यहाँ I1 apply करो तो ये जो plus minus होगा ये होगा LdI1 by dt। ऐसे ही I2 apply करो, ठीक है, LdI2 by dt। I1 + I2 अप्लाई करोगे तो क्या आएगा, LdI1 by dt + LdI2 by dt। दैट मीन्स जो आपका इंडक्टर है वो भी क्या है, लीनियर एलिमेंट है। ऐसे ही आपका कैपेसिटर भी एक लीनियर एलिमेंट है, ठीक है। ध्यान रखना, ऐसा कुछ रूल नहीं है दैट कि जो वोल्टेज होता है उसी को एक्साइटेशन बोलते हैं या फिर जो करंट होता है उसी को रिस्पॉन्स बोलते हैं। आपकी मर्जी है, आप किसी को भी एक्साइटेशन एंड किसी को भी रिस्पॉन्स बोल सकते हैं, ठीक है। नाउ आपने क्या देखा कि रेजिस्टर
लीनियर एलिमेंट है, इंडक्टर भी लीनियर एलिमेंट है, कैपेसिटर भी लीनियर एलिमेंट है, ठीक है। सो लीनियरिटी इज बेसिकली सम ऑफ टू प्रॉपर्टीज, फर्स्ट इज एडिटिविटी, ठीक है। सो ये जो मैंने आपको बताया दैट इज एडिटिविटी, सो रजिस्टर फॉलो एडिटिविटी प्रिंसिपल। नाउ सेकेंड प्रिंसिपल इज होमोजेनिटी। होमोजेनिटी नेटवर्क्स में किस तरह से है, सिग्नल्स में किस तरह से होता है, मैं आपको बता चुका हूँ। नेटवर्क्स में किस तरह से होगा कि आपने I1 करंट, एक्साइटेशन क्या है I1, देन रिस्पॉन्स इज I1 इंटू R। इफ एक्साइटेशन इज A टाइम्स देन रिस्पॉन्स ऑल्सो बिकम्स A टाइम्स, दैट इज होमोजेनिटी, ठीक है। सो ये होमोजेनिटी को भी सेटिस्फाई कर रहा है रजिस्टर, दैट मीन्स रजिस्टर्स इंडक्टर भी सेटिस्फाई करेगा एंड कैपेसिटर भी करेगा। सो इसलिए ये आर एल सी एलिमेंट्स जो हैं दैट आर लीनियर एलिमेंट्स, ठीक है। सो इन जनरल इफ दिस इज सम एलिमेंट, कुछ भी हो सकता है, इफ दिस इज सम एलिमेंट, ठीक है, आपने यहाँ कुछ वोल्टेज अप्लाई किया और इस वोल्टेज को मैं बोल रहा हूँ कॉज, दिस इज कॉज और एक्साइटेशन, ठीक है। एंड इस कॉज की वजह से जो इफेक्ट आया, सपोज उसको मैं आई बोलता हूँ, ठीक है। सो इफ वी एंड आई, दैट मीन्स कॉज एंड इफेक्ट आर रिलेटेड लीनियरली, आर रिलेटेड लीनियरली, देन दिस एलिमेंट इज लीनियर एलिमेंट। सो लीनियरिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट डिस्क्राइबिंग अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट, बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट। सो अभी मैंने आपको क्या बताया, सर्किट के किसी एलिमेंट के रिस्पेक्ट में, मैंने आपको अभी एलिमेंटल लेवल पे बताया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीनियरिटी। सो इफ दिस एलिमेंट इज लीनियर देन कॉज एंड इफेक्ट बेयर अ लीनियर रिलेशनशिप, ठीक है। नाउ एक सर्किट के रिस्पेक्ट में क्या होगा, व्हेन अ सर्किट इज सेट टू बी लीनियर, ठीक है। अ सर्किट इज सेट टू बी लीनियर इफ इट सेटिस्फाइज और इफ इट इज बोथ एडिटिव एंड होमोजेनस, ठीक है। सो अ सर्किट इज लीनियर इफ इट इज एडिटिव एज वेल एज होमोजेनियस, दैट मीन्स अ लीनियर सर्किट कंसिस्ट ऑफ ओनली लीनियर एलिमेंट्स प्लस लीनियर डिपेंडेंट सोर्सेस प्लस इंडिपेंडेंट सोर्सेस, ठीक है। अगर ये तीन एलिमेंट से आपने क्या बनाया है, अगर आपने सर्किट डिजाइन किया है देन दैट सर्किट इज डेफिनेटली अ लीनियर सर्किट, ठीक है। नाउ लीनियर डिपेंडेंट सोर्सेस किस तरह से होते हैं, लीनियर डिपेंडेंट सोर्सेस इस तरह से हुआ, प्लस माइनस अगर ये वोल्टेज सोर्स है एंड अगर मैं यहाँ टू आई नॉट लिखता हूँ तो ये क्या है, टू टाइम्स आई नॉट, ठीक है। सो ये बेसिकली क्या है, अगर यहाँ आई नॉट स्क्वायर कर दूंगा तो ये नॉन लीनियर डिपेंडेंट सोर्स हो जाएगा, बट आई नॉट है इसलिए ये क्या है, लीनियर डिपेंडेंट सोर्स है, ठीक है। सो इस तरह से ये लीनियर डिपेंडेंट सोर्सेज यहाँ पे लिखा हुआ है।